दोस्तों, क्या आपने भी दुनिया के अंत की खबरें सुनी है और इस अफवाह में डूब चुके हैं? एक तरफ कोरोना वायरस और दूसरी तरफ दुनिया और मानव जाति के अंत की खबरें। जी हाँ दोस्तों, इसी खबर पर हम आज बात करेंगे कि क्या 29 अप्रैल 2020 को हमारी दुनिया को, हमारी पृथ्वी को कुछ खतरा है या फिर ये सिर्फ अफवाह है? इसका क्या सच है? क्या खतरा है एस्ट्रॉइड जो हमारी पृथ्वी के करीब आ रहा है? दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि पहले डायनासोर जैसे महाकाय जानवर हमारी पृथ्वी पर थे, कहीं उनका अंत तो इसी एस्ट्रॉइड से हुआ नहीं? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे साइंटिस्ट बताते हैं कि एस्ट्रॉइड के गिरने से ही, इस महाकाय उल्कापात से ही उनका अंत हो चुका है। आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी पर ऐसे ही एस्ट्रॉइड हर रोज़ गिरते हैं। कहा जाता है कि हर रोज़ 14,500 टन अंतरिक्ष मटेरियल हमारी पृथ्वी पर हर रोज़ गिरता रहता है, परंतु पृथ्वी के वातावरण में इसका कुछ भी असर नहीं हो पाता। हमारे पृथ्वी के बहुत सारे अंग बनाने में भी इसका बहुत सारा महत्वपूर्ण कार्य रहा है। अगर बताया जाए तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लेक्स है, बहुत सारे रिवर्स, पहाड़, जो कि एस्ट्रॉइड गिरने से ही, उल्कापात होने से ही बताया जाता है। लोनार लेक, ये इंडिया का बहुत बड़ा सा लेक है जो इसी के मदद से हुआ है। रशिया में अभी अभी 2012 में भी ये उल्कापात हो चुका था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है कि ये एस्ट्रॉइड्स या फिर उल्कापात कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों, बता आपको कि मार्स और जुपिटर, इस ग्रह के बीच में बहुत बड़े एस्ट्रॉइड्स है, कई लाख, बताए जाते हैं कि 20 लाख अधिक यहाँ पर एस्ट्रॉइड रहते हैं, जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहा जाता है। तो अब चलिए जानते हैं हमारी और आने वाले एस्ट्रॉइड के बारे में। क्या नाम है इसका? तो नाम है इसका एस्ट्रॉइड 527681998OR2। यह काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर। इसका आकार बताया जाता है कि बहुत बड़ा है, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है, लेकिन दोस्तों सच यह नहीं है। इसका आकार माउंट एवरेस्ट से सिर्फ आधा है। 4.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 1.2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसकी जो स्पीड है वो भी बहुत सी ज़्यादा है, यह है 20,000 माइल्स पर आवर या फिर 31,000 किलोमीटर पर आवर से बहुत तेज़ी से दौड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर यह पृथ्वी से टकराता है तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसके आकार माउंट एवरेस्ट से आधा होने के कारण ये किसी भी एक देश को या फिर बड़े से बड़े शहर को तबाह कर सकता है। इस एस्ट्रॉइड की सर्च नासा ने 1998 में ही की थी, तभी से एस्ट्रॉइड के वैज्ञानिकों का इस पर ध्यान नज़र लगाई है। इस एस्ट्रॉइड की डायरेक्शंस, जो दिशा है, वो बार बार बदलती गई है। 1998 में अर्मैग्नेटॉन एक फिल्म भी आई थी जो कि उस साल की बहुत ही फेमस थी। उसमें बताया गया था कि जो एस्ट्रॉइड है ये बहुत ही काफ़ी बड़ा है और ये तेज़ी से हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है और इसका बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है। दोस्तों, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 29 अप्रैल के सुबह ये हमारी पृथ्वी के करीब आ जाएगा। करीब मतलब करीब करीब 4 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होगा और ये सुबह से ही 6 बजने के बाद ही हमें दिख पाएगा। ये हम एक तारे की जैसे उसको देख सकते हैं। 4 मिलियन किलोमीटर मीन्स ये बहुत दूर हो जाएगा। चंद्रमा और पृथ्वी के ये 16 गुना ज़्यादा अंतर से गुजरेगा। सो दोस्तों, हमारी पृथ्वी को कोई भी इसका खतरा नहीं है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है एस्ट्रॉइड, कैसे, किसको क्या बोलते हैं, और एस्ट्रॉइड ये 2020 में और भी आने वाले हैं, इस दशक में बहुत सारे आने वाले हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।